बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ाइन प्रोफाइल के हवाले से कि रोड की कोई भी डिज़ाइन प्रोफाइल हम ऑटो कैड के ऊपर कैसे ड्रा कर सकते हैं, उसका क्या मेथड होएगा, उसका क्या तरीकाकार होएगा, उसका क्या प्रोसेस होएगा, उसके लिए डिज़ाइन एलिमेंट्स के लिए कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है और वर्टिकल कर्व्स को हम कैसे लगाएंगे और वर्टिकल कर्व हमें क्यों दी जाती है, इसके मुताबिक हम थोड़ी सी इसके अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। सिंपल प्रोग्राम होएगा ऑटो कैड का, इसके अंदर हम एक्सेल की मदद लेंगे, एक्सेल के अंदर ये मेरा प्रोग्राम बना हुआ है कंप्लीट। तो इसके मुताबिक हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि हम डिजाइन प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं और बनाने के बाद हम इसका वीपीसी स्टेशन, वीपीसी एलिवेशंस, वीपीटी स्टेशन एलिवेशंस, एमओ और ग्रेड वन ग्रेड टू, और इसके बाद आप ये देख रहे हैं प्रोफाइल एलिवेशंस वगैरह को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपल वे के जरिए। सिंपल मेथड होएगा, सबसे अहम जुज इसके अंदर होएगा कि हमने अपना डिज़ाइन प्रोफाइल को कैसे बनाना है। हमारे पास एनएसएल मौजूद है, एनएसएल के ऊपर हम अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल को लगाना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिज़ाइन वर्टिकल के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि वर्टिकल कर्व्स के ऊपर ये हमारी जिधर स्लोप चेंज हो रही होती है, जिधर हमारे पास ग्रेड का हमारा चेंज हो रहेगा, ग्रेड वन और ग्रेड टू, ये डिज़ाइन हमारा एनएसएल के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। जिधर हमारा ग्रेड चेंज होएगा उधर दरमियान में हमारी वर्टिकल कर्व्स आएगी। जो भी ग्रेड चेंज होएगा, जिधर भी आपका ग्रेड आपका प्रोफाइल का चेंज होएगा, आपने उधर वर्टिकल कर्व मस्ट देनी है। वर्टिकल कर्व्स के ग्रेड के हिसाब से इसकी जो प्रोफाइल्स हैं वो चार टाइप्स की प्रोफाइल होती हैं। तो ये ऊपर टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ वर्टिकल कर्व्स हैं, तो ये हमारे पास देखें टाइप वन जो है जी वन हमारा माइनस में है और जी टू भी माइनस में है, तो उसके दरमियान में वर्टिकल कर्व्स होती है। टाइप टू हमारी वर्टिकल कर्व्स की टाइप जो होती है वो जी वन हमारा माइनस में आ रहा होता है और जी टू हमारा प्लस में जा रहा होता है, उसके दरमियान में वर्टिकल कर्व्स इसी तरीके से दी जाती है। टाइप थ्री के अंदर जी वन हमारा प्लस में है और जी टू भी हमारा प्लस में है, तो भी हमारे पास वर्टिकल कर्व आती है। और टाइप फोर वर्टिकल कर्व्स जो होती है वो जी वन प्लस में और जी टू माइनस में होता है, तो भी उसके साथ वर्टिकल कर्व्स होती है। तो ये चारों टाइप्स के ग्रेड यूज़ होते हैं प्रोफाइल के अंदर। इसमें जो भी ग्रेड जिस टाइप पर भी आएगा आपका सेम टू सेम प्रोसेस होएगा। तो जिधर भी आपका ग्रेड चेंज हो रहा होगा, आपने डिज़ाइन प्रोफाइल के हवाले से अपनी आप ये तो जीरो से लेके इस जगह तक का जो आपने एक ग्रेड फिक्स कर देना है, उसके बाद ग्रेड टू फिक्स करना है और ग्रेड वन से जिस टाइम ट्रैफिक ने व्हीकल ने ट्रैफिक टू की तरफ जाना है तो वो उसको दरमियान में वो वर्टिकल कर्व के जरिए मूवमेंट अपनी करके और जी टू की तरफ जाएगा। तो ये वर्टिकल कर्व का बेसिक कंसेप्ट है, उसमें चार टाइप्स की कर्व आती हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे जो हमारे पास वर्टिकल कर्व बनी हुई है इसके अंदर हमारे पास जी वन प्लस के अंदर है और जी टू हमारे पास इधर माइनस के अंदर है। तो ये हमारे पास वर्टिकल कर्व की टाइप फोर है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि जी वन हमारे पास प्लस में है और जी टू हमारे पास माइनस में जा रहा है, ये टाइप फोर है। तो इसी तरीके से ये वर्टिकल कर्व्स डिज़ाइन की जाती हैं। वर्टिकल कर्व्स का मैं आपने ना आपको कंसेप्ट समझा दिया कि जिधर हमारे पास ग्रेड चेंज होएगा, जो ग्रेड चेंज होएगा ग्रेड वन से ग्रेड टू के दरमियान में जब हम जाएंगे तो हमने उसके दरमियान में वर्टिकल कर्व्स को देना है। वर्टिकल कर्व्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है के वैल्यू के हिसाब से, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैं आपको उस शॉर्टली सिंपल बता देता हूँ कि जो आपने मिनिमम वर्टिकल कर्व की लेंथ रखनी होती है वो 150 मीटर रखनी होती है। अगर आप जनरल यूज़ करते हैं 150 मीटर आपने रखनी होती है, फिट्स में काम कर रहे हैं तो उसको आप डिवाइड कर देंगे 150 × 3.28, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो मिनिमम वर्टिकल कर्व्स की लेंथ आपने उतनी रखनी। इससे कम की जो रखेंगे तो उसके लिए आपको के की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको अलग एक वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारे पास जो जर्नल जो सिस्टम होता है उसके अंदर ये वर्टिकल कर्व्स हमारी सेम टू सेम इसी प्रोसेस के साथ लगती हैं, यूज होती हैं डिजाइन के हवाले से। तो इसके साथ हम अभी अपना एक्सेल के ऊपर इसकी मदद लेंगे, मैं आपको पूरा तरीकाकार बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया, वर्टिकल कर्व्स को हमने किधर लगाना है। वर्टिकल कर्व्स को हमने उधर लगाना है जिधर हमारा ग्रेड चेंज हो रहा है। जिधर हमारा ग्रेड चेंज होगा उधर हमने उसको वर्टिकल कर्व के जरिए आपस में उसकी प्रोफाइल को आपस में ज्वाइन करना। तो आए हम एक्सेल के ऊपर इसको शुरू करते हैं और उसको शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इधर से एक्सेल के ऊपर आ जाएंगे, इधर से सबसे नीचे आपने आना है एनएसएल के ऊपर। एनएसएल कोई भी प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एनएसएल होना चाहिए। एनएसएल या एनजीएल ये एक ही नाम होते हैं। एनएसएल का मतलब होगा सर्फिस नेचुरल सर्फिस लेवल और एनजीएल का मतलब होगा नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो ये लेवल्स आपके पास होते हैं। फील्ड सर्वे जब हम सर्वे करने जाते हैं तो उसके ऊपर प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले उसका पूरा सर्वे किया जाता है और उसके एनएसएल पढ़े जाते हैं। एनएसएल पढ़ने के बाद उसके सेंटर लाइन के जो एलिवेशन होते हैं उसके ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल बनाई जाती है। तो डिज़ाइन प्रोफाइल को हमने कैसे बनाना है, तो आपने एनएसएल इधर मैनुअल इनपुट कर देने हैं, बना देने जिधर तक आपके पास उसके एनएसएल मौजूद है। तो ये एंड आरडी तक ये मैंने इधर आरडीज लगाई हुई हैं। इधर आरडीज 3+2 to 5 तक हमारे पास एनएसएल मौजूद है। तो आपने ये एनएसएल अपने जो भी जिधर तक आरडीज तक है आपने उसको लगा देना है। इधर मैं
आपको सिंपल वे के जरिए, एक वर्टिकल के जरिए उसका मैं मेथड बताऊंगा आपको, उसी प्रोसेस को हम आगे रिपीट करेंगे। तो उसके बाद आप ये देखें प्लाट टू ऑटो कैड है, आपने इसको जैसे ख़त्म कर देना है। और सबसे पहले NSL को ड्रा करना है, अपनी उसका फॉर्मेट ड्रा बनाना है इधर अपने एक्सेल के ऊपर। तो आपने जैसे स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है, एंड लगाना है, डब्लू कामा सिंगल कामा एंड, और उसके बाद फिर दोबारा एंड लगा देना है और एलिवेशन को चूज़ कर लेना है, उधर से इंटर कर देना है। और उसको आपने एंड तक, जिधर तक आपके पास उसके NSLs वगैरह जा रहे हैं उधर तक आपने इसको इधर से NSL का फॉर्मेट आपने बना देना है। बनाने के बाद आपने ये देखने के हमारे पास पूरा ये ज्वाइन हो गया, सारा कॉमे की शक्ल में आ गया। जिधर से आपने इसको पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है। मैं न्यू ड्राइंग के ऊपर आ जाता हूँ, इधर से ऑटो कैड के ऊपर आपने आ जाना है। इधर से इसकी आपने लेयर बना देनी है। लेयर बनाने के बाद इधर से मैं इसकी लाइन डॉटेड लाइन, जो हमारी NSL की लाइन यूज़ होती है वो डॉटेड की शेप में यूज़ होती है। तो आपने इधर से उसकी डॉटेड लाइन इधर से लोड कर लेनी है, इधर सेलेक्ट कर लेना है और इधर से कोई भी कलर आप इसका चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद ऊपर आपने लेयर बना देनी है। लेयर बनाने के बाद आपने इधर उसको पॉली लाइन नीचे कमांड बार में टेक्स्ट टाइप करना है और इसको आपने जो लेवल उधर कॉपी किए थे उसको आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास सामने इधर NSL की लाइन सारी ड्रा हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं कंप्लीट लाइन, ये आपकी एलिवेशंस के ऊपर आ जाएगी। ये जो NSL की लाइन हमारे पास लगी है ये हमारी 1:1 के ऊपर लगी है। जब आपने डिज़ाइन किसी चीज़ का भी बनाना है वर्टिकल प्रोफाइल के हिसाब से, तो आपने कोशिश करनी है इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा दें इसके साथ, ताकि आपको इसके ग्रेड्स वगैरह जिधर जिधर आपके एलिवेशन चेंज हो रहे हैं वो थोड़े वाजह नजर आएँ। तो ग्रेड को बढ़ाने के लिए हम दोबारा अपनी इस प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। तो इधर से आपने इसके जो प्रोफाइल है इसको आपने 10 के स्केल के हिसाब से चेंज कर देना है इसके एलिवेशन को। तो एलिवेशन हमारे पास ये जा रहा है 210.25, तो मैं इधर से इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देता हूँ कि मेरा स्केल जो है वर्टिकल स्केल है जो वो 10 का आ जाए। तो इसको मैंने इधर से इसको नीचे तक प्लाट कर देना दोबारा, और इसको मैं इधर से दोबारा कॉपी करता हूँ और इसी प्रोफाइल के ऊपर मैं आपको इधर प्लाट करके बताऊंगा। तो ये आप देखेंगे इधर आपको वाजह फर्क नजर आएगा। तो आपने पूरी लाइन की कमांड लेके और इधर प्रोफाइल बना देनी है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी प्रोफाइल है 1:1 के ऊपर। इधर हमारे पास जो ग्रेड्स वगैरह जा रहे हैं वो बहुत माइनर इधर नजर आ रहे हैं, बहुत इसका वाजह नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद आपने इसको 1:10 के ऊपर बनाया, तो इधर आप ये देख रहे हैं कि इसकी पूरी सर्फिस आपको बहुत वाजह नजर आ रही है। तो आपने जब डिज़ाइन प्रोफाइल बनानी है तो उसकी सर्फिस को आपने इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ताकि आपके पास उसकी बिल्कुल जो मैक्सिमम जिधर स्लोप्स वगैरह उसकी चेंज हो रही है वो सारा कुछ इधर आ जाए। तो अभी इसके बाद हम 1:1 के ऊपर इसके डिज़ाइन को बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन वर्टिकल डिज़ाइन के हिसाब से ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी फिलिंग की लोकेशन कितनी है, आपकी फिलिंग कितनी है, कटिंग कितनी है, उसको कितना चीज़ को दिया जा रहा है। आपने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल को इधर बनाना होता है। अगर आपके पास फिलिंग बहुत ज़्यादा है, एम्बैकमेंट आपके BOQ क्वान्टिटी के अंदर, या आपके पास जो डिज़ाइन आपने प्रपोज करनी है तो वो उसके हिसाब से, तो आप उस पर एक अच्छी अलाइनमेंट को उसको ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास उसकी फिलिंग नहीं है और अगर आपके पास ये एग्जिस्टिंग सरफेस जा रही है, जिस तरह बाजू का था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड आप देख रहे होते हैं, कटिंग होके और उसके ऊपर प्रोफाइल को एडजस्ट किया जाता है, उसके अंदर मिनिमम स्पेस के अंदर हमें ये वर्टिकल कर्व्स को एडजस्ट किया जाता है। एक अलाइनमेंट होती है न्यू अलाइनमेंट, जिसके अंदर बिल्कुल न्यू चीज़ बन रही होती है, तो उसके अंदर मैक्सिमम जगह के ऊपर इसको कवर किया जाता है और उससे आपकी वर्टिकल कर्व को ड्रा किया जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के ऊपर। कि आपके पास पुराना रोड बना हुआ है उसके ऊपर हमने इसको सेट करना है, इसके वर्टिकल कर्व्स वगैरह को देना है, इस पूरे अलाइनमेंट को हमने सेट करना है। उसके लिए आपने मिनिमम फिलिंग इधर देनी है। मिनिमम फिलिंग आपने अपना टिपिकल सेक्शन जो भी आपके प्रोजेक्ट का फाइनल हुआ हुआ है, टिपिकल सेक्शन आपको पता होता है ये प्रोजेक्ट का आपका आया हुआ होता है इधर, उसके हिसाब से पूरी इसकी चीज़ ड्रा हुई हुई होती है, जिसके अंदर ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर मैटर करता है हर चीज़ का। तो आपने ये जैसे डिज़ाइन स्ट्रक्चर को सबको काउंट कर लेना है अपने कैलकुलेटर की मदद से। आप विंडो का कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं और जैसे आप अपना मैनुअल कैलकुलेटर भी जो आपके पास है। तो आपने सबसे पहले जो ये पेवीमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर है इसको आपने काउंट कर लेना है, इसकी टोटल थिकनेस आपने मालूम कर लेनी है। आप देख रहे हैं स्वाल्ट वेरिंग कोर्स है हमारे पास 0.50 की, तो आपने 0.05 इसके अंदर ऐड कर देना है, प्लस हमारे पास है 0.075 एस्फाल्टिक बेस कोर्स, एस्फाल्टिक बेस कोर्स से 0.075 इसको आपने प्लस करना है। उसके बाद वाटर बाउंड मैकडम है 0.30 सेंटीमीटर का, उसके बाद हमारे पास सब बेस से नीचे 0.250, तो 0.250 आपने इसके अंदर प्लस कर देनी है, तो 0.6750 हमारे पास इसका टोटल स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर को आपने सबसे पहले अपना टिपिकल सेक्शन जो आपके पास बना हुआ है उसको आपने देख लेना है और उसके हिसाब से इसकी थिकनेस जो पेवीमेंट की थिकनेस है वो आपने इधर से काउंट कर लेनी है। इधर काउंट करने के बाद मैं इधर ऑटो कैड के ऊपर आ जाता हूँ और इधर मैंने टेक्स्ट की कमांड की मदद से जो उधर से मैंने कॉपी किया है उसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। 0.675 मेरे पास आ रहा है, थोड़ा सा स्केल मैं इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि ये मैं इधर से थोड़ा सा वाजिया नज़र आए।
तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन का स्ट्रक्चर है 0.675 का। तो अभी हमने इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग रोड जा रही है उसके ऊपर इस डिज़ाइन को मद्देनजर रखते हुए इसके जो टॉप की सरफेस है हमारी जो डिज़ाइन प्रोफाइल है उसको हमने जैसे फॉलो करना है कि हमारे पास इधर मिनिमम फिल आए और इसके ऊपर हमारे पास ये पूरी जो थिकनेस है ये सारी की सारी इसके ऊपर ऐड हो जाए। इसके ऊपर जो साइडें होंगी वो प्लस माइनस हो जाता है, उसके अंदर कोई मसला नहीं होता, वो कटिंग और फिलिंग के अंदर एडजस्टमेंट हो जाती है। जैसे आपने सबसे पहले ऊपर आ जाना है, इसकी लेयर को आपने चेंज कर देना, मैं लेयर नहीं बना रहा, आपने लेयर बना देनी है इसकी टाइम शॉर्टेज के लिए। तो आपने इधर से लेंथ कंटिन्यूस इसकी कर लेनी है और इधर से इसकी विड्थ थोड़ी सी आपने बढ़ा लेनी है ताकि वो आपको वाजा नजर आए। तो उसके बाद जब डिज़ाइन एग्जिस्टिंग रोड है तो आपने उसका जो पिन पॉइंट पकड़ना है वो बिल्कुल स्टार्ट से पकड़ना है, इस जगह से पकड़ना है। और इधर आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास स्लोप आगे चेंज हो रही है इस जगह के ऊपर, और इधर से ये दूसरी सेकेंड स्लोप जा रही है, उसके बाद थर्ड स्लोप जा रही है। तो आपने इन्हीं स्लोप्स को मद्देनजर रखना है और उसके हिसाब से बनाना है। तो आपने इधर आ जाना सबसे पहले और इधर से पी लाइन लगानी है, और इधर आपने एक पी लाइन F8 प्रेस करके स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। इधर आपने कौन सी लाइन लगानी है 0.675 की, 0.675 ये हमारे पास डिज़ाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने 1:10 के ऊपर इसको ड्रा कर रहे हैं। तो 0.675 मल्टीप्लाइड बाई आप इधर से 10 कर देंगे उसको, तो हमारे पास आ जाएगा 6.75। तो आपने इधर से 6.75 के ऊपर एक लाइन लगा देनी है मिनिमम के ऊपर, ये आपका आ जाएगा टॉप सर्फिस इस लाइन के हिसाब से। इसी तरीके से इस लाइन को आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद आपने जिधर जिधर आपकी स्लोप चेंज हो रही है, अभी आप ये देख रहे हैं एक स्लोप आपकी इधर चेंज हो रही है, दूसरी आपकी स्लोप इधर आ रही है, तो आपने इधर आ जाना है। दरमियान में जो माइनस स्लोप्स वगैरह होंगी उसको आपने इधर से ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद ये अभी आप देख रहे हैं कि हमने इधर 0.1, 2 और 3 पॉइंट हमारे पास आ गया है। तो इधर से आपने इधर से पॉली लाइन की कमांड ले लेनी है, और जैसे आपने इस सरफेस को आपने इधर इसी तरीके से इसके ऊपर ले आना है, इधर एक लाइन लगा देनी है, और इसके बाद आपने इधर आ जाना है और इधर एक लाइन लगा देनी है। अभी आप ये देख रहे हैं कि इधर हमने इस ये लाइन लगाई है, तो इधर तो हमारे पास स्ट्रक्चर वगैरह है तो स्टार्ट था, तो स्टार्ट से तो हमने मैचिंग करना है। तो आगे हमारे पास ये आस्ता आस्ता बढ़ता गया और आगे फिर ये प्रोफाइल के हिसाब से इधर चेंज हो गया। तो इस प्रोफाइल को जो दरमियान वाला पोर्शन होगा इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, और वर्टिकल कर्व आप मिनिमम रखना चाहते हैं, तो आपने इधर से इसकी हाइट को और बढ़ा देना है। इसकी हाइट हमारे पास 0.675 आ रही थी, तो हमने इसकी हाइट को हम इधर से कर लेते हैं 1.5। तो 1.5 सपोज हम मिनिमम हाइट रखते हैं, तो हमारे पास इसका ऑफसेट आ जाएगा 15 का हम ऑफसेट रख के इधर लगाएंगे, और इस लाइन को आपने इसी तरीके से उठा के और उसके ऊपर लगा के और इधर से चेक कर लेना है। चेक करेंगे तो ये आप देखेंगे हमारे पास इधर आ रही है, फिलिंग आ रही है। या दूसरा पॉइंट ये होगा कि जिधर आपके पास मैक्सिमम अप पॉइंट जा रहा है उधर से भी आप इसको 0.675 की, जो हमारे पास मिनिमम स्ट्रक्चर है 0.675 का, वो भी आप लाइन लगा सकते हैं, और लाइन को इस लाइन को आप इधर से मैनुअल इसके ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं कि मिनिमम जगह के ऊपर जो हमारी कटिंग आ रही है उधर भी हमारे पास उसका स्ट्रक्चर पूरा है। तो इसी तरीके से आपने इस लाइन को भी आप इसी तरीके से ऊपर लेके जा सकते हैं इधर, और इधर से आप इसको लाइन को इधर से उसका जो हमने लाइन लगाई है ये आप ये देख रहे हैं इधर लाइन, तो इसको आपने इधर से मैनुअली इधर इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है कि ये हमारे पास मिनिमम हद तक पूरा हो जाए। तो आप इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट वगैरह को इधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इधर आप देखेंगे हमारे पास इधर थोड़ी सी फिलिंग ज़्यादा आ गई है। तो ये आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत इसका इंट्रोड्यूस जो सेक्शन होगा उसको आपने इधर सेटिंग कर लेना। तो ये हमारे पास अभी पहली वर्टिकल कर्व हमने इसको ड्रा कर दी है डिज़ाइन के हिसाब से, मिनिमम स्पेस के हिसाब से रख के, कि जिधर हमारे पास कटिंग मैक्सिमम एरिया अब भी आ रहा था तो उसको भी हमने इस डिज़ाइन के ऊपर ले गया। तो इधर से आपने इसको बना देना है। इसका आपने इधर इसका डिस्टेंस और एलिवेशन मालूम करना है, उसके लिए आप आईडी की कमांड ले सकते हैं, और इधर से आप क्लिक करेंगे ये नीचे आपके पास डिस्टेंस और एलिवेशन इसका आ जाएगा एक्स और वाई की शक्ल के अंदर। आप इसको जैसे कॉपी करके लगा सकते हैं इधर ऊपर, कॉपी कर लें, और इधर आप कंट्रोल वी करके आप इधर पेस्ट कर सकते हैं, या आपके पास कोई लिप्स कमांड यूज़ हो रही होती है, मैक्सिमम कफ्सार बंदे के पास होती है, तो आपने लिप्स कमांड की मदद से उसका इधर डिस्टेंस और एलिवेशन मालूम कर लेना। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस ऊपर आ रहा है, RD हमारे पास आ रही है 0.0, एलिवेशन हमारे पास आ रहा है 210.25। हमारे पास ये 1:10 का स्केल है, तो इधर हम इसका चेंज कर देंगे 210.25 हमारे पास स्टार्टिंग एलिवेशन हमारे पास इधर आ गया। तो इसी तरीके से मैं लेफ्ट कमांड को आगे यूज़ करूँगा, और दोबारा इस पॉइंट का मैंने इधर डिस्टेंस और एलिवेशन मालूम कर लेना है। RD मेरे पास आ गई 4+750 की, और जो एलिवेशन मेरे पास आया वो आया 221.9677 का। तो ये हमारे पास एलिवेशन मैंने इधर नोट कर लेना है, उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर आ जाना है, और इधर भी इसी तरीके से। तो आपने इधर भी इसी तरीके से CD की कमांड लेके या आपने ID की कमांड लेके इसका डिस्टेंस और एलिवेशन आपने इधर लिख देना। तो अभी आप ये देख रहे हैं डिस्टेंस हमारे पास ऊपर आ गया 1+27
फोर और एलिवेशन आ गया 210.55। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये आरडी आ रही है, राउंड फिगर में नहीं है। आप इसकी आरडी को राउंड फिगर में बनाना चाहते हैं तो आप इसकी आरडी को राउंड फिगर में भी बना सकते हैं। 1+275 के ऊपर भी आप इसको एग्जैक्ट लेके जा सकते हैं इधर, उसका कोई इशू नहीं आएगा। और इसको 1+3+ के ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं आगे पीछे, इसको आपने इधर मैनुअल एडजस्ट कर लेना। मैं जैसे मैनुअल इसका डिस्टेंस लिख देता हूँ 1+275, ताकि ये हमारे पास एक राउंड फिगर के अंदर आ जाए। इसको वर्टिकल कर्व को आपने कोशिश करनी है, राउंड फिगर के ऊपर ही है। दरमियान में आप देख रहे होते हैं कि कफ्सर डिज़ाइन के अंदर इसकी आरडी को वो लिखा हुआ होता है कि जिधर वो वर्टिकल कर्व चेंज हो रही होती है, तो उन्होंने एज इट इज़ उसको दिया हुआ गया होता है। तो आप कोशिश करें कि उसको राउंड फिगर के ऊपर लेकर आए, ताकि आपका थोड़ा सा पॉइंट के साथ आपका इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपने सबसे पहले आपने ये तीन पॉइंट आपने लगा दिए, इन तीन पॉइंट्स को अभी आपने नोट कर लें। उसके बाद आपने इधर ये मैं एक्सेल का मेरा प्रोग्राम ये बना हुआ है, ये मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। इधर आप देख रहे हैं बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट है, इधर वीपीआई एलिवेशन है, ये इसका इनपुट डेटा आएगा। इधर से मैं इस डेटे को इधर से मैं ख़त्म कर देता हूं और इसका फॉर्मेट में सेम टू सेम वही कर देता हूं, और प्लाटिंग स्केल वगैरह इधर से हम इसका भी फिलहाल ख़त्म करेंगे। तो आपने इधर से इनके जो बीओपी ईओपी एलिवेशन वगैरह सारे आपने इसके अंदर इनपुट करने हैं। इनपुट आपने कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूं। आपने इसके अंदर जस्ट इनपुट करने हैं और ये आपकी सारी कैलकुलेशन इधर हो जाएगी। बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट हमारे पास आपने फाइल के ऊपर आ जाना है, ऑटो कैड की हमारे पास है 00 और एलिवेशन है उसका 210.25। तो आपने इधर से इसी तरीके से स्टेशन आपने इधर ज़ीरो कर देना है और इसका बिगनिंग ऑफ एलिवेशन 210.25। तो ये आपने एलिवेशन इसके अंदर इनपुट कर देना है ये वाला। इसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है इधर सेकंड नंबर के ऊपर, हमारे पास आरडी है हमारे पास 0+475 की। तो आपने नेक्स्ट आ जाना है और मेन वर्टिकल कर्व है हमारे पास। तो ये वीपीआई हमारी 1 है, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी वीपीआई 1 है कि इधर। तो ये हमारे पास स्टार्ट प्रोजेक्ट था और ये हमारी आ गई वीपीआई 1। इसकी कैलकुलेशन अभी हम करेंगे इस लेवल के हिसाब से। तो ये हमारा G1 बन जाएगा और ये हमारा इधर G2 इधर आ जाएगा। तो ये अभी हमने आरडी दे दी है 4+75, एलिवेशन है 221.968। तो आपने इधर दे देना है इसका 475, इसकी आरडी एंटर कर देनी है और एलिवेशन है 221.968968। तो ये आपने इधर दे देना है, इनपुट कर देना है। उसके बाद आपने ये वर्टिकल कर्व को मैं फिलहाल छोड़ता हूँ, आपने एंड ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाना है। एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपका कौन सा है? एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपका ये बिल्कुल जो आपकी थर्ड वीपीआई हमारी सेकंड वीपीआई बनी है ये वाला पॉइंट, ये हमारा एंड ऑफ प्रोजेक्ट है। तो आपने इसका पहले डिस्टेंस दे देना है 1+275। तो ये आपने आरडी इंटर कर देनी है 1+275 और उसके बाद आपने इसकी जो एलिवेशन है वो दे देना है 210.514। तो ये आपने इधर एलिवेशन इसका एंटर कर देना है। इसके बाद आपने इधर से इसकी जो कैलकुलेशन है वर्टिकल कर्व की लेंथ की वो आपने देनी है। अगर मैंने आपको पहले बताया कि आप इधर 150 मीटर से ऊपर की आप देंगे तो वो आपकी के वैल्यू के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन हुई हुई होती है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। तो आप मैं इधर इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ 250 की इधर इनपुट कर दूंगा। 250 की इनपुट करके मैं चेक करूंगा, उसको चेक करने के बाद इसको आप उसको 150 के ऊपर भी दे देंगे। तीनों चारों के ऊपर मैं आपको इधर से चेक कराता हूँ। तो इधर से मैंने इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ नंबर 1 के ऊपर इधर इनपुट करूंगा 250 की। तो ये आपने इधर से वर्टिकल कर्व की लेंथ इनपुट कर देनी है इसके अंदर। तो ये नीचे आप आ जाएंगे इधर, तो ये वीपीसी स्टेशन इधर हमारे पास आ जाएगा, उसका एलिवेशन आ जाएगा। वीपीटी स्टेशन आ जाएगा, उसका एलिवेशन आ जाएगा। एमओ की कैलकुलेशन हो जाएगी, एमओ हमारा आ रहा है -1.218। इस तरह G1 हमारे पास आ रहा है प्लस के अंदर 2.466 और G2 हमारे पास आ रहा है -1.432। ये आप ये देख रहे हैं कि सारी कैलकुलेशन इधर होगी। उसके बाद ये सारे प्रोफाइल के एलिवेशन जो थे ये इस डेटे के हिसाब से आपके ऑटोमेटिकली इधर कैलकुलेट हो गए हैं। इसके बाद आपने इधर से मैं इसको इधर सिंपल जरिए आपको पहले बता रहा हूँ, आपने इधर इज इक्वल टू लगाना है। सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर आपने आ जाना है, स्टार्ट वाला एलिवेशन हमारे पास 210.25। तो आपने इधर से स्टार्ट वाले एलिवेशन के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने डिस्टेंस वाले कॉलम को ऐड करना है, उसके साथ एंड लगाना है, डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, उसके बाद ऐड आपने लगाना है। और ये प्रोफाइल का एलिवेशन जो आ रहा था इसको आपने इधर एंटर कर देना है। एलिवेशन हमारे पास 1:10 की प्रोफाइल के ऊपर हम इधर काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने इसका लगाना है। तो इसको आपने इसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाई इधर पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देना है, जो आपका एलिवेशन सेट हो जाएगा। इसको आपने डबल क्लिक कर देना है नीचे तक, ये आपके पास जिधर तक डेटा होएगा ये उधर तक की उसकी कैलकुलेशन
इधर हो जाएगी। स्टेशन है 1+300 का, वैसे 1+275 का एलिवेशन इधर 1+300 तक कैलकुलेट हो रहा है। तो इधर से आपने इसको इसी सेगमेंट को आपने जैसे कापी सिलेक्ट करना है एंड तक जिधर तक आपके पास वैल्यूज है इधर से आपने इसको कॉपी कर लेना है और ऑटो कैड की ड्राइंग के ऊपर आ जाना है इधर। और आपने इसको इधर से मैं लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ कि हमें थोड़ा सा ये वाजा नज़र आया तो उसका कलर मैं सियान रख देता हूँ। तो उससे लाइन कंटिन्यूस और उसकी लाइन की विर्थ मेरे पास बड़ी होगी, तो आपने मैंने इधर से लाइन की विर्थ बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें वाजा नज़र आए। तो आपने इधर से पोली लाइन की कमांड ले लेनी है, ऊपर आपने लेयर इसकी बना देनी है। बनाने के बाद आपने इसको पेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे हमारे पास इधर उसकी वर्टिकल कर्व इधर उसके हिसाब से उसके एलिवेशन वगैरह सारे ड्रा हो गए इधर। ये हमारे पास G1 भी इधर कैलकुलेशन पूरी हो रही है और जिधर से हमारा VPC स्टार्ट हो रहा है उधर से ये वर्टिकल ग्राफ के अंदर आके और इसने पूरा एंड तक जिधर तक हमारे पास एलिवेशन जा रहे थे उधर तक इसने प्लॉट इसको कर दिया हमारे पास। तो अभी आप इधर से वर्टिकल ग्राफ की लेंथ इसकी इधर से चेंज करेंगे, जोन से भी आपने इधर सिर्फ वर्टिकल ग्राफ की लेंथ चेंज करनी है। आप इधर 150 की वर्टिकल ग्राफ की लेंथ देते हैं और इसी तरीके से आपने इस डेटा को इधर से कॉपी करना है। जिधर नीचे तक आ रहा है डेटा आपने इसको इधर से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने ऑटो कैड के ऊपर आना है और उसको इधर से चेक कर लेना। इसका कलर मैं मज़ीद चेंज कर देता हूँ इधर से ताकि थोड़ा सा हमें मज़ीद वाजे हो जाए। पोली लाइन की कमांड मैं इधर से ले लूँगा, इसका लाइन थिकनेस भी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ ताकि हमें वो इधर से वाजा नज़र आए। तो पोली लाइन की कमांड लेके और मैंने इसको इधर पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो देखेंगे हमने इधर इसकी लेंथ जो दी है इधर इसके अंदर आके इसकी लेंथ हमने दी है 150 की। तो 150 के हिसाब से इसकी जो डिज़ाइन प्रोफाइल थी ये हमारे पास इधर ऊपर चला गया इसका एलिवेशन। तो इसके बाद हमने 250 की दी थी तो इसका एलिवेशन हमारे पास इधर नीचे आया था। तो आपने इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इधर से आप अपनी जो मिनिमम थिकनेस मैंने आपको बताई थी वो आपने इधर से जो लगाई हुई है आपने इधर से उसको चेक कर लेना है। हमारे पास इधर हमने 1.5 लगाई थी और जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी आ रही थी वो 0.6675 की आ रही थी और 250 के ऊपर हमने लगाया तो इधर हमारे पास जो इसकी टोटल हाइट आई है वो हमारे पास 1.00 मीटर की आई है। इसी तरीके से आपने इसको अगर वर्टिकल कर्व की लेंथ को मज़ीद बढ़ाते हैं 300 आप कर देते हैं और 300 करने के बाद आप इसको इधर से कॉपी करते हैं दोबारा और कॉपी करने के बाद आपने इसको ऑटो कैड के अंदर पेस्ट करना है। तो आपने इधर से इसकी जो मिनिमम हाइट वगैरह है वो आपने इधर से इस तरीके से उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इधर मिनिमम हाइट हमारे पास है, ऊपर डिज़ाइन स्ट्रक्चर है 0.675 जो हमारी ये फिलिंग आनी चाहिए वो इससे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी ज़्यादा आनी चाहिए। तो आपने इसी तरीके से इसकी मुख्तलिफ वर्किंग करके और इसकी अपनी वर्टिकल कर्व को आप एडजस्ट कर सकते हैं उसकी लेंथ के हिसाब से। तो आपने उसकी लेंथ के हिसाब से इसी तरह करना। अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने इधर उसकी लेंथ दी थी इसकी 300, इसकी लेंथ हमने दी थी इधर 300, तो 300 के हिसाब से उसकी लेंथ हमारे पास इधर मज़ीद नीचे आ गई। तो आपने इधर से इसी तरीके से उसकी हाइट को दोबारा चेक कर लेना है। तो ये आप हाइट चेक कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रही है 7.5। तो ये अभी भी हमारे पास इसके अंदर फिलिंग आ रही है सारी। तो ये आपने इसी तरीके से इसकी वर्टिकल कर्व को आपने एडजस्ट कर देना है और इसकी आपने हाइट वगैरह इधर दे देनी है अपने मिनिमम हाइट को। आपने इसको इस पॉइंट को ये हमारे पास आ रही थी टिपिकल सेक्शन के हिसाब से जो उसकी हाइट बन रही थी कि हमारे पास जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर आ रहा है तो हमें उसके लिए नीचे कटिंग वगैरह ना करना पड़े और जो उसका सारा कुछ उसी तरीके से आया तो उसकी वर्टिकल कर्व को आपने इसी तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो ये मैं आपके सामने मैंने पूरी वर्टिकल कर्व का इसको मैंने बना के इसका पूरी डिटेल मैंने आपको बताइए इसके अंदर आप कैसे इसका डेटा इनपुट कर सकते हैं। आपने जस्ट इसके अंदर से इसका डेटा इनपुट करना है और नीचे इसके कैलकुलेशन हो जानी है और इस डेटा को आपने कॉपी करके उधर आप चेक कर सकते हैं इस डेटा के हिसाब से। ये सिर्फ फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है ये आपके चेकिंग के लिए बताया है। इधर आप इस डेटे के ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, इधर प्लॉट स्केल है हमारे पास 1, आपने इधर से 1 कर देना है। वर्टिकल स्केल आप इधर से 1 भी रहने देते हैं तो 1 के ऊपर भी ये कैलकुलेशन करेगा। अब मैं इधर से सबसे पहले 1:1 के ऊपर इसको प्लॉट करके बताऊँगा तो ये आपके पास सारा कुछ इसका डेटा वगैरह भी सारा का प्लाट हो जाएगा। इधर से इंटरवल वाला सेकंड ऑप्शन है हमारे पास स्टेशन इंटरवल। स्टेशन इंटरवल आप जितनी जितनी आरडीएस के ऊपर अपनी प्रोफाइल को ड्रा करना चाहते हैं वो स्टेशन इधर से दे दें। 25 के ऊपर करना चाहते हैं 25 कर दें, 20 के ऊपर करना चाहते हैं तो ये आपकी सारी प्रोफाइल 20 के ऊपर ड्रा होगी और इसके NSR भी 20 के ऊपर आ जाएंगे और इसके एलिवेशन भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे 20 मीटर के ऊपर। इसी तरीके से आप 50 मीटर देना चाहते हैं तो 50 मीटर आप दे देंगे तो उसके एलिवेशन और इसकी आरडीएस वगैरह ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से ही इधर कैलकुलेट हो जाएगी। तो अभी हम 1:1 के ऊपर 25 मीटर इंटरवल के ऊपर हम इसको प्लॉट करेंगे। 25 मीटर के ऊपर इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे जो NSL है ये 20-25 मीटर के ऊपर हमने इधर लगाए थे इधर सारे और इसके प्रोफाइल को इधर एडजस्ट किया था। आपके पास ये जो प्रोफाइल का इंटरवल जितना भी होएगा आपकी NSL का, आपने NSL का
इंटरवल, उतना ही इसके अंदर इधर इनपुट कर देना तो आपका प्लाट हो जाएगा। तो इधर हम मानिन वन के ऊपर और 25 मीटर के ऊपर प्लाट करते हैं। प्रेस एंड पेस्ट ऑटो कैड वाले बटन को आपने इधर से क्लिक करना है। इस बटन को जस्ट आपने इधर से क्लिक करना है और ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है। इधर आप मैं इसकी न्यू विंडो ओपन कर देता हूँ इधर से, और विंडो ओपन करने के बाद आपने कमांड बार के ऊपर आना है और जस्ट इधर से पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा इधर प्लाट होना शुरू हो गया और वो सामने आपके स्क्रीन के सामने इधर बिल्कुल आ जाएगा इधर। तो ये आप ये पूरी वर्टिकल कर्व आपकी इधर ड्रा हो जाएगी। जो वर्टिकल कर्व हमारी ड्रा हुई है ये वन इन वन स्केल के ऊपर इधर से ड्रा हुई है। तो आपने इधर इसको ड्रा होना देना, थोड़ा सा आपने वेट कर लेना इसका। वेट करने के बाद आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास इसका पूरा वर्टिकल कर्व का स्टेशन डेटा आ गया। वर्टिकल का स्टेशन था 4+75 और इधर हमारे पास एलिवेशन था 221.968। कर्व लेंथ हमने 300 मीटर दी थी। एमओ -1.462, G1 हमारे पास 2.467 और G2 हमारे पास -4.32। इसी तरीके से हमारे पास VBC स्टेशन उसका एलिवेशन आ गया इधर, इसी तरीके से VBT स्टेशन और उसका एलिवेशन आ गया, और ये पूरी कैलकुलेशन इसने हमारी कर दी है। इधर साइड के ऊपर आपके साथ इससे ग्रेट एलिवेशन आ जाएंगे, और आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ये नीचे स्टेशन आ रहे हैं सारे 25 मीटर का इंटरवल है, और इसी तरीके से उसके NSR इसके ऊपर आए हुए हैं, और उसका डिज़ाइन लेवल फिनिश रोड लेवल जो है वो सारा इसके ऊपर आया हुआ है। आप इसको कलर्स वगैरह चेंज करना चाहेंगे तो उसका आप कलर वगैरह इधर से मैनुअल इसको सिलेक्ट करके और इसके कलर्स वगैरह आप डिज़ाइन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर इसके लेयर के ऊपर भी जाके चेंज कर सकते हैं, वजह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं स्टेशन वगैरह को भी, वो आप इसके अंदर मैनुअल करेंगे। तो उसके बाद आपने दोबारा इसके ऊपर आ जाना है। इसको मैं 1:10 के ऊपर प्लाट करता हूँ और जैसे प्रेस एंड करता हूँ बटन को क्लिक करता हूँ, और इधर इसी ड्राइंग के ऊपर मैं आपको दोबारा इसको इधर आपने कमांड बार में आना है और इसको इधर से पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे ऊपर आपकी 1:10 के ऊपर वो प्रोफाइल ड्रा होना शुरू हो गई है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ऊपर जो प्रोफाइल आ रही है हमारे पास वो 1:10 के हिसाब से आ रही है। तो ये आपने जो भी डिज़ाइन प्रोफाइल बनानी है, बनाने के बाद मैंने पूरा मेथड आपको बताया सारा, तो आपने उसके हिसाब से इसको बना लेना है, और बनाने के बाद आपने इधर से इसको लगा देना है। जिस स्केल के ऊपर भी आप इसको पेस्ट करना चाहेंगे नीचे आपके एलिवेशन वगैरह उसी तरह आएंगे, और उसका डिज़ाइन ऊपर से इसका सारा चेंज हो जाएगा पूरे वर्टिकल कर्व के हिसाब से। तो आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद आगे मैं एक वर्टिकल कर्व आपको और बना के बता देता हूँ आपने उसको कैसे बनाना है। इधर से मैं जस्ट उसके साथ उसका जो होगा उसको आगे कंटिन्यू करूँगा और उसका डेटा आपको इनपुट करके बताऊँ। तो ये हमारे पास इधर मुख्तलिफ लाइन्स लगी हुई हैं, इस लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे इस डेटे के ऊपर से आगे। तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन लाइन आ रही है, हमने इसका जो डिज़ाइन ये हमारे पास रेड कलर की प्रोफाइल लाइन आई थी इधर तक हमने उसको एंड किया था। तो आपने पोली लाइन की कमांड लेनी है और इसी को आपने F3 प्रेस करके इसको स्नैप को मैं ऑन कर देता हूँ इधर से। तो आपने इधर से आगे उसकी वर्टिकल कर्व को लेके जाना है। आपने वर्टिकल कर्व को किसी भी तरीके से आप लेके जा सकते हैं, जिधर आपका ग्रेड चेंज हो रहा है आप इधर भी इसको लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, और जितना ऊपर अगर आपके पास फ्री हैंड है और आपके पास फिलिंग का कोई इशू नहीं है जितना भी है, तो आप इसको एक अच्छी सी वर्टिकल कर्व के हिसाब से बना सकते हैं। इधर आप उसको एडजस्ट कर दें इस जगह के ऊपर, इधर से आप उसकी RD को आपने फिक्स कर देना है जो भी RD आपके पास आ रही है। जैसे हमारे पास पहली RD थी 1+75 की, आपने जैसे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, और इधर से आपने इसका पहले ID की कमांड के जरिए आप इसके इधर से चेक कर सकते हैं। इधर के हमारे पास लेंथ आ रही है इसकी 1+885, तो आप इधर से इसके ऊपर जितनी भी लेंथ के ऊपर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, जितनी हाइट देनी है आप इसकी दे सकते हैं। तो इधर से आपने उसके बाद CD की कमांड या ID की कमांड लेके इसका डिस्टेंस और एलिवेशन आपने चेक कर लेना है। इधर से आपने एलिवेशन वगैरह को उसी तरीके से आप इसको चेंज कर देंगे, इसके अंदर जितनी भी हाइट आप रखना चाहते हैं, जितना भी आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं। तो आप लोग के पास स्टेशन हमारे पास नेक्स्ट आ गया 1+874, तो आपने इसी तरीके से उसके अभी उसी डेटे के ऊपर आपने आ जाना है, और इधर से आपने उस डेटे को रिप्लेस करना है, ये इसी फाइल के ऊपर दोबारा आ जाना है। मैं इधर से हमने पहले बिगनिंग ऑफ 0.0 दिया था, और वर्टिकल कर्व हमने दी थी, और एंड पॉइंट हमने 1.275 का दिया था। तो अभी 4.75 वाली RD है वो हमारी आ जाएगी इधर 4+75 बिगनिंग ऑफ स्टेशन के ऊपर, और जो इसका एलिवेशन है 221.968 ये हमारे पास आ जाएगा बिगनिंग ऑफ स्टेशन के ऊपर, और ये जो हमारे पास एंड स्टेशन था 1+275 का जो हमारी सेकंड वर्टिकल कर्व बनी थी इधर इस जगह के ऊपर इस प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। तो ये हमारे पास जो हमने डेटा इनपुट किया था 1+275, तो ये अभी हमारी मेन कर्व होगी, इसकी कैलकुलेशन वो करके देगा और इसका एलिवेशन आपने उधर कर देना है। ये हमारे पास एलिवेशन इधर इंटर है ऑलरेडी, तो हमने इधर 1+275 इधर से इसका इनपुट कर देना है, और इसका वही एलिवेशन जो 210.514 आ रहा था वो आपने इधर इनपुट
पुट कर देना है इसके अंदर। उसके बाद आपने ये एंड वाला सेशन इधर से ख़त्म करना है और इसके अंदर आपने इधर आ जाना है, जो आपने नई VPI बनाई है इधर से, ये हमारे पास ये आ रही है VPI नई 1+874.44। तो आपने ये उसका डेटा इधर इनपुट कर देना है 1+874.44 ये 18। तो ये आपने इधर से इनपुट कर देना है इसका डेटा इधर इसी तरीके से, उसका एलिवेशन आपने 219.376। तो एलिवेशन आएगा 219.736, ये आपने इनपुट कर देना है। इधर से आपने वर्टिकल कर्व आपकी लेंथ जितनी भी देना चाहते हैं आप दे दें, मैं जैसे 2.50 के दे देता हूँ। और ये नीचे सारी कैलकुलेशन हमारे पास इधर हुई भी है सारी। इसके इधर से आपने जो NSL होंगे वो आपने 450 वाला जो NSL आ रहा होगा वो आपने इसके अंदर इधर से इनपुट करना है। तो आपने कैसे करना है, एलिवेशन तो हमने सारे लिख दिए थे, इसके शुरू से लेकर एंड तक सारे लिख दिए थे NSL के अंदर। उसकी हमने लाइन को इधर ड्रा किया था, इस लाइन को ये आप लाइन देख रहे हैं कि लाइन हमारी एंड तक जा रही है। तो आपने इसके इधर से डिस्टेंस को सबसे पहले चेंज करना है, हमारे पास 475 आ रहा है इधर, तो आपने इधर फिलहाल आरजी तौर के ऊपर 00 इधर से लगा देना है। 00 लगाना है तो इधर से 475 के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास एलिवेशन आ रहे हैं इसके NSL के, वो आपने इधर से कॉपी कर लेने हैं जितने तक आप कर सकते हैं। मैं रफली सस को इधर लगा दूंगा, इधर से मैंने इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपने ये NSL इसके ऊपर ड्रा कर देना है, पेस्ट एज ए वैल्यू कर देना है ये, क्योंकि हमने प्रोफाइल सारी बनाई थी कि सारे हो जाए, आपने एक एक वर्टिकल के हिसाब से उसको बनाना है। तो आपने सबसे पहले इसके NSL को रिप्लेस करना है, उसके बाद आपने दोबारा इसकी ID 475 जो आ रही थी वो आपने दे देनी है। तो इधर आपके NSL अभी वही होंगे जो आपके पास इधर ओरिजिनल आ रहे हैं। तो डिज़ाइन प्रोफाइल हमारी इधर से ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने इसी तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं, इधर से हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद एंड तक जिधर तक हमारे पास वो स्टेशन आ रहा है उधर तक हमने ये हमारे पास 1+875 का एलिवेशन आ रहा है, आपने इसको इधर से कॉपी करना है। उसके ऊपर आप इधर से चेक कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। इधर से आपने पॉलीलाइन की कमांड ले लेनी है, लेयर वगैरह आपने बना देनी है, ये वाइड लाइन सेलेक्ट हुई भी, इधर से आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये आपकी लाइन पूरी ड्रा हो जाएगी, आप ये देखेंगे तो वर्टिकल कर्व्स वगैरह आपकी सारी लग गई हैं। तो आपने इसी तरीके से इसको चेक करते जाना है आगे और इसको देते जाना है। अभी आप देख रहे हैं पहले हमने वर्टिकल कर्व 1 ड्रा की थी, उसके बाद वर्टिकल कर्व 2 ड्रा कर दी। आप आगे इसी तरीके से पॉलीलाइन की कमांड ले लेंगे और जो वर्टिकल कर्व आप जिधर भी लगाना चाहते हैं इधर से लेके आप एक इसके बीच में और ऐड करना चाहते हैं इसी तरीके से। और उसके बाद आपने इस तरह एंड तक सारी आपने वर्टिकल कर्व्स लाइन लगा देनी है और उसका डेटा आपने इसी तरह इनपुट करते जाना है। पहले हमने ये 3 पॉइंट्स दिए थे, बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट VPI 1, VPI 2 दिया था, उसके बाद हमने जैसे इसी तरीके से VPI 1, उसके बाद VPI 2 और VPI 3 दिया था। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन होगी, इसके बाद हमने इधर इसी तरह हम इसके पर आ जाएंगे और VPI 3 और VPI 4 और इस तरह से VPI 5 का डेटा देंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन इधर हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने इसके भी जो भी एलिवेशन वगैरह आ रहे हैं सारे आपने जैसे इसके बना देने, जो भी वर्टिकल क्रॉस आप इसके बीच में मज़ीद भी ऐड करना चाहते हैं और इसी तरीके से एंड के ऊपर इधर आया तो उधर भी आपने इसका इसी तरीके से एलिवेशन बना देना है और इधर उसका एलिवेशन वगैरह जो आ रहे हैं वो आपने इधर बना के और उसको कंप्लीट फाइनल कर देना है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि हमने इधर 4-5 वर्टिकल कर्व्स लगा दिए हैं इनको और इसका डेटा मैंने आपको पहले नंबर के ऊपर सेपरेट नंबर के ऊपर बना के बताया कि आपने उसको कैसे बनाना है, इस वर्टिकल कर्व्स को आपने कैसे चेक करना है, इसकी हाइट वगैरह कैसे चेक करनी है। अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम है सिंगल वर्टिकल कर्व के ऊपर, आप एक वर्टिकल कर्व बनाएंगे उसको बनाएंगे तो ये उसके लिए प्रोग्राम ये था कि एक वर्टिकल कर्व के हिसाब से आप बनाते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं इधर अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर तो हमारी एक वर्टिकल कर्व हमारी नहीं होती, बहुत ज़्यादा वर्टिकल कर्व्स होती हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास डेटा इसी तरीके से एक वर्टिकल कर्व के हिसाब से ये डेटा चेकिंग के लिए तो हम बना सकते हैं, लेकिन इसकी कंप्लीट वर्किंग करने के लिए एक और मैंने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ जो कि मैं जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ 1-2 दफ़ा। तो ये हमारा वर्टिकल कर्व का प्रोग्राम काम करता है 10 वर्टिकल कर्व्स तक, इसके बीच में जितनी आपकी वर्टिकल कर्व्स हैं 10 वर्टिकल कर्व्स के बीच में 1 से लेके 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं आप उतनी दे सकते हैं, 10 है तो आप इसको 10 दे सकते हैं। तो इसके ऊपर आप अपना प्रोफाइल को ड्रा कर सकते हैं, सारी प्रोफाइल्स को कंप्लीट ड्रा कर लेंगे इसी तरीके से बनाने के बाद। आपको सेपरेट ये प्रोफाइल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने इधर से वर्टिकल कर्व्स का मैंने कंसेप्ट आपको समझाया कि डिज़ाइन कंसेप्ट क्या होएगा, तो आपने डिज़ाइन कंसेप्ट के हिसाब से ये सारी बना लेनी है और उसके बाद इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर आपने आ जाना है। मैं इसका लिंक भी रख दूँगा और दोनों इस शीट का भी लिंक रख दूँगा, दोनों फाइल्स का लिंक मैं आपके सामने इधर रख दूँगा, इसके अंदर आप दोनों को यूज़ करके
और अपना काम कर सकते हो। तो इसके अंदर आपने इधर ये करना है, हमारे 10 वर्टिकल ग्राफ्स हैं। इधर से आप देख रहे थे कि हमारे पास बिगनिंग ऑफ स्टेशन था, उसका एलिवेशन था, वीपीआई स्टेशन था, उसका एलिवेशन था, और इसी तरीके से एंड पॉइंट था। तो ये वहाँ पर सिर्फ एक वर्टिकल ग्राफ का प्रोग्राम था। तो ये प्रोग्राम हमारे पास ज़्यादा कर उसका है। आपने इसी तरीके से बिगनिंग ऑफ स्टेशन दे देना है, PI 1, 2, 3, 4, 5 का डेटा जो भी आपके सामने आ रहा है उसका आपने स्टेशन, उसका एलिवेशन और उसके साथ वर्टिकल कर्व की लेंथ दे देनी है। लास्ट हमारे पास आ रहा था EOP, तो उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो इधर आपने ये करने के बाद लास्ट के अंदर इधर आ जाना है एंड ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जो आपका स्टेशन इधर बन रहा होगा वो स्टेशन आपने इधर लिखना है, मैनुअल लिखना है। इसके अंदर जो भी स्टेशन इधर आपके पास आ रहा होगा, 400 आ रहा है, 4000 आ रहा है, तो आपने इधर 4000 कर देना है। इसी तरीके से 5000 आ रहा है तो आपने 5000 कर देना है। जितना भी स्टेशन आपके पास एंड आ रहा है वो एंड स्टेशन इधर वर्टिकल क्रॉस के हिसाब से आपने इधर लिखना है। तो हमारे पास आ रहा है इधर 3+250, तो आपने इधर 3250 इधर लिख देना है। तो ये हमारे पास इसका एलिवेशन एंड एलिवेशन आ जाएगा। तो ये आप एलिवेशन देंगे तो ये इसके एलिवेशन नीचे कैलकुलेट होंगे, ये सारे वाले जो एलिवेशन है। तो इधर हम ऊपर आ जाते हैं, तो इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इधर पूरी उसकी डिटेल 10 करोस की डिटेल सारी आई हुई है। इसका VPC स्टेशन, VPC एलिवेशन, VPT स्टेशन और VPT एलिवेशन, ग्रेड इन और ग्रेड आउट इधर हमारे पास सारे आए हैं, साथ MO की कैलकुलेशन भी हुई है। उसके साथ मैंने थोड़ा सा टेबल और ऐड किया हुआ था। ऊपर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल है, ये आप इसके स्केल के हिसाब से ही आपकी प्रोफाइल ऑटोकैड के अंदर ड्रा होगी सारी। प्लॉटिंग स्केल इंटरवेल है, इंटरवेल के मुतालिक मैं पहले बता चुका हूँ। जितना आपके पास NSL या जितने आपको डिस्टेंस के ऊपर आप ये प्रोफाइल को ड्रा करना चाहते हैं उतना इंटरवेल आप इधर से इसके अंदर इनपुट करेंगे। 20 है तो 20 कर देंगे, 50 है, 25 है, 25 कर देंगे, 50 या 100 जितने के ऊपर आप इसको ड्रा करना चाहते हैं आप ड्रा कर देंगे। हमारा 50 मीटर के ऊपर है। इसी तरह कर्व डेटा, टेक्स्ट हाइट है, एलिवेशन टेक्स्ट हाइट है, डाटम एलिवेशन के टेक्स्ट हाइट्स वगैरह। तो ये आपकी ऑटो कैड के अंदर जब आप प्लॉट करेंगे इधर से उसकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो इधर से हम अभी हमने ये पाँचों वर्टिकल कर्व ये जो आई थी इसको हमने इकट्ठा डेटा उसका फीड कर दिया है, 0 से लेकर बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। उसमें PVI 1 हमारे पास आ गई है, इसी तरीके से सेकंड नंबर पर PVI 2, 3, 4 और इसके बाद एंड स्टेशन। तो ये डेटा मैंने फॉर्मेट उसी तरीके से बना दिया। दोबारा मैं इसको बता के आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपने इसको इसी तरीके से VPI स्टेशन, उसका एलिवेशन, इधर स्टेशन एलिवेशन, वर्टिकल कर्व की लेंथ इधर मैनुअल इनपुट कर देनी और आखिर में ये बना देना है इसका एलिवेशन। उसके बाद आपने प्रेस एंड पेस्ट ऑटो कैड को आपने इधर से क्लिक कर लें, उधर से ऑटो कैड के ऊपर आपने आ जाना है और न्यू विंडो के ऊपर आपने आ जाना है। इधर कमांड बार में आना है और इधर से आपने पेस्ट कर देना है। तो आपने थोड़ा सा इसका वेट करना है क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने खुद बनाया हुआ है। ये इसके अंदर इसके जो स्केल्स वगैरह है वो मैंने खुद एडजस्ट किए हुए हैं। तो ये एक्सेल से जब ऑटो कैड के अंदर ये प्लॉट होता है तो थोड़ा सा ये आपका टाइम लेता है, अपना डेटा ये अपने प्रोसेस के हिसाब से कंप्लीट उसको प्लॉट करता है और उसके बाद उसकी पूरी वर्किंग करता है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है। तो ये आप इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये अपना पूरा प्रोसेस करता जा रहा है। अगर हमारी वर्टिकल कर्व इधर 5 है, अगर ज़्यादा होती उधर उसका डेटा इधर ज़्यादा आ जाना था। तो ये भी डेटा हमारा प्लॉट हो रहा है। ऊपर मेरा ये आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, ऊपर आप भी मेरे लिंक को ओपन करके इधर से उसको सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। तो इधर से आपने इसका वेट करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये डेटा इधर से प्लॉट हो जाएगा। आप इसको इसी तरीके से आप वेट करते रहेंगे तो ये आपका कंप्लीट डेटा इसी तरीके से प्लॉट होएगा। आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस वगैरह लग जाएंगी, ग्रेड एलिवेशंस वगैरह आ जाएंगे और सारा कुछ इधर आपका उसी तरीके से प्रोफाइल बन जाएगी जो कि हमारी सिंगल वर्टिकल कर्व के हिसाब से बन रही थी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ये इसका सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा डिज़ाइन प्रोफाइल का। तो आपने इसको इसी तरीके से बनाना है सबको। तो दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं वर्टिकल कर्व हमारी सारी प्लॉट होगी। इसमें ये वर्टिकल कर्व हमारी 1 आ गई है, ये इधर हमारे पास VPI स्टेशन भी इधर लग गया है, उसकी कर्व भी इधर कैलकुलेट हो गई है, इधर VPC एलिवेशन और उसका स्टेशन, VPT स्टेशन और उसका एलिवेशन, इस तरीके से ग्रेड और जितनी कर्व्स आप बनाना चाहते हैं इसके अंदर 10 कर्व्स के अंदर आप ये सारा डेटा बन जाएगा। आपका प्रोसेस इसका सेम टू सेम वही होगा जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। नीचे स्टेशन है, NSL FRL है। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोफाइल आपकी 10 वर्टिकल कर्व्स के हिसाब से ड्रा हो जाएगी। इसका जो ये जो स्केल सेट किया हुआ है ये आपके प्रिंट के हिसाब से सेट है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से इसके अंदर आ जाएंगे और वही डेटा जो आपको डेटा मैंने सेपरेट के अंदर बताया था कि आपने इसको बनाना है तो आप इसको भी इसके अंदर सेम टू सेम वर्किंग इसके अंदर भी कर सकते हैं। उसकी दोनों फाइल्स मैंने रख देनी है, इधर तो आप कर सकते हैं। इधर मैंने इसका बना दिया NSL प्लॉट
टू ऑटो कैड और प्रोफाइल एलिवेशन के स्केल के हिसाब से बना दिए हैं। अगर ये फार्मूला सारा लगा हुआ है तो आप इधर से इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर इसकी पूरी कैलकुलेशन इधर हुई हुई है सारी, इसको आप लोग को छेड़ने की डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो आप इसको सेव एज करके चेक कर सकते हैं और ये पूरी ओपन शीट होएगी। तो आपने इसी तरीके से इसको आपने डाउनलोड कर लेना है इसके फोल्डर को। इसके अंदर मैं इसकी ड्राइंग्स भी रख दूँगा जो मैंने बनाई है और इसकी दोनों शीट्स भी मैं आपके सामने इधर इसकी रख दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और अपने कमेंट्स, अपने जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आपने बता देने हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।